But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेमेडी न्यूज। तो गाइस, सभी वेट कर रहे हैं मार्वल स्टूडियो फेज 4 की मूवीज का, बट कोई अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि मार्वल फेज 4 की मूवीज सारी कब रिलीज करी जाएंगी। पता चला था कि सैन डिएगो में ये मूवी लॉन्च होंगी, बट मार्वल फेज 4 में कौन कौन सी मूवी होगी अभी ये कन्फर्म नहीं है। बट अभी हाल ही में डिज्नी कंपनी ने अपने कैलेंडर में कुछ चेंजेस करे, जिसमें कि मार्वल की एक और नई मूवी के बारे में पता चला, उसकी रिलीजिंग डेट के बारे में पता चला। तो वो क्या है? तो वो है ब्लैक पैंथर 2। जी हाँ, तो वो रिलीजिंग डेट है फरवरी 12, 2021। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इस डेट को ब्लैक पैंथर 2 रिलीज होगी, मुझे जो लगता है। और ब्लैक पैंथर का 2 रिलीज होगी तो इसमें कुछ नए अपडेट भी आ रहे हैं, जैसे कि इस मूवी का सबसे पहला रूमर था कि इस मूवी में किलमोंगर रिटर्न होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, किलमोंगर रिटर्न होंगे, क्योंकि वो मर चुके हैं, बट वो कैसे रिटर्न हो रहे हैं अभी ये कन्फर्म नहीं है। उसके बाद दूसरा रूमर, अगर एक्स मैन और मार्वल स्टूडियो की अगर बात हो जाती है तो फाइनली स्टॉर्म इस मूवी में हो सकती है, जो कि ब्लैक पैंथर की बहुत ही अच्छी पार्टनर है और उनकी गर्लफ्रेंड भी है। देन इस मूवी में थर्ड रूमर, नामोर इस मूवी में हो सकता है एक विलेन के तौर पर, बट एक कैमियो के तौर पर भी, क्योंकि नामोर एक एंटी हीरो भी है। उसके बाद मार्वल फेज 4 में ये ब्लैक पैंथर 2021 की पहली मूवी होगी। जी हाँ, पहली मूवी 2021 की, जो कि काफी डिफरेंट होने वाली है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पे हल्के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।